हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आप एक यूट्यूब चैनल कुक विद राज पे। तो आज हम बनाएंगे ताज़े नारियल की बर्फ़ी। ये बहुत टेस्टी लगती है ये खाने में। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक नारियल लिया था, उसको मैंने काट करके इसको ऊपर वाला जो ब्लैक कलर का होता है वो मैंने छील लिया है चाकू से। अब इसको हम पीस लेंगे मिक्सर जार में। इसको ज़्यादा नहीं पीसना है नहीं तो ये पेस्ट बन जाएगा, दरदरा सा पीसना है इसको। चलिए अब हम पीस करके आपको दिखाते हैं। ये ताज़ा नारियल था, वो जो मार्केट में गोला वाला नारियल होता है ना उससे भी आप पीस के बना सकते हैं। ये देखिए मैंने पीस लिया है, दरदरा सा हो गया है। अब हम बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम डालेंगे एक चम्मच घी। इसको अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद हम डालेंगे नारियल का बुरादा। ये अच्छे से गर्म हो गया है, देखिए यहाँ पे हम डालेंगे नारियल का बुरादा। इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, अच्छे से चलाना है, लगातार आपको चलाते रहना है और लो फ्लेम पर आपको चलाना है ये, नहीं तो हाई पे करेंगे तो ये नारियल जल जाएगा, नहीं तो जल जाएगा तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको लगातार आप चलाते रहिए ताकि ये मेरा नारियल का बुरादा जले नहीं। अब हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। इसको अच्छे से मिक्स करके आपको 5 मिनट तक चलाना है। यहाँ पे कंडेंस मिल्क हमने डाला था, ये मैंने खुद बनाया था घर पे। इसी दिन आपको हम ये अगले वीडियो में कंडेंस मिल्क बनाना सिखा देंगे। ये बहुत आसान है बनाना, आप बहुत आसानी से ये बन जाता है। ये बर्फी बहुत टेस्टी लगता है खाने में, ये बहुत आसान है बनाना, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है ये बनाने में। अब हम डालेंगे इलायची पाउडर, इसको मैंने कूट लिया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके 2 मिनट तक और भूनेंगे। ये लगभग मेरा रेडी हो गया है बर्फी बनने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, कंडेंस मिल्क डालने से बहुत अच्छा ये कलर आ जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम इसको एक थाली में डालेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाल के फैला लिया है चारों तरफ से ताकि मैं डालूँगी तो चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए बर्फी। तो इसको अच्छे से आपको सेट करना है। यहाँ पे हम हाथ से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, थोड़ा सा घी लगा लेंगे हाथ पे ताकि ये चिपकेगा नहीं। ये देखिए अच्छे से इसको सेट करके अब हम इसको पिस्ता से गार्निश करेंगे। आप चाहे तो चांदी का वर्क लगा सकते हैं। इसको पिस्ता रख के अच्छे से इसको दबा देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए अच्छे से आपको दबाना है और इसको आप अपने पसंद से छोटा या बड़ा आप पीसेस काट सकते हैं। इसको अच्छी तरह से धीरे धीरे काटेंगे, आप अपने मनपसंद से छोटे या बड़ा पीसेस बना सकते हैं। ये आसानी से कट जाता है, ये देखिए कितना अच्छा से कटिंग हो रहा है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, ये एकदम आसान है बनाना, टाइम भी नहीं लगता है और झटपट बन के रेडी हो जाता है ये। यहाँ पे हमने अच्छी तरह से काट लिया है, देखिए कितना आसानी से कट जाता है। चलिए हम प्लेट में दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत आसान है बनाना, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।